नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एचएससी सीईटी भर्ती के लिए रीजनिंग के वो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन मैंने एनटीए बेस जो क्वेश्चन है वो उठाए हैं, और इस क्लास में से एक आधा क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और इस क्लास की मेन खासियत क्या रहेगी, जितने भी क्वेश्चन आपको मैं कराऊँगा वो सारे एक आसान से ट्रिक से निकालने का तरीका बताऊँगा, और जो भी क्वेश्चन होगा वो बिना फॉर्मूले के निकालना सिखाऊंगा, यानी कि बिना सूत्र सीधे उत्तर। तो यदि आप रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते और 100% सही करना चाहते हैं, दोस्तों आप सभी को पता होगा अभी एचएससी है वो 20 से 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछ रही है, और अब की बार एनटीए एग्ज़ाम लेगा तो सिंपल सी बात है ये 20 से 25 क्वेश्चन है वो आसान लेवल नहीं पूछने वाली है, बहुत ही अच्छे लेवल से पूछने वाली है। तो अपने 20 से 25 क्वेश्चन कवर करने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी साथी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसका आंसर दीजिए। नीचे दिए चार विकल्पों में से तीन किसी अवशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। तो इसमें जो चार विकल्प है इसमें से क्या है, एक अलग है। पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा आसान दिया मैंने, तो बताएं इसमें से चार कौन से हैं, चार में से जो एक अलग हो, बताएं इसमें से कौन सा है। हाथ, नाक, दिल और आँख। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हाथ है उसको आप देख सकते हो, नाक को भी आप देख सकते हो और आँख को भी देख सकते हो, लेकिन हार्ट है इसको आप नहीं देख सकते। दिल है वो बॉडी के अंदर होता है, आप इस तरीके से भी याद सकते हैं, ये बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट है यानी कि बाहरी पार्ट है और ये इंटरनल पार्ट है। तो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, जितने भी आंसर आप टाइप कर रहे हैं आप नोट कीजिए, और जो टोटल मैं 10 क्वेश्चन करवाऊँगा इसमें से बताएं कि आपने कितने सही किए, आपको अपना स्कोर भी पता लगेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीरीज़ का क्वेश्चन है, इसमें आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही आएगा इसका आंसर। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 158, 160, 156 और 162। तो बताएं इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, 152, 148, 156 और उसके बाद 152 है। तो दोस्तों, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, 152 में से हम 148 को घटाने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, -4 दिखेगा। अब इसमें हम देखेंगे क्या हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है, फिर 156 में से 152 देखोगे तो माइनस का 4 हो रहा है। तो अब हम क्या करें, पहले -4 हो रहा है, फिर +8 हो रहा है, फिर -4 है, तो अब क्या करेंगे, प्लस का 8 करेंगे तो हमारा आंसर है वो क्या जाएगा, 160। तो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 160 जिसने आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अगले क्वेश्चन का आंसर दें। एक सीरीज़ दे रखी है, एक अनुक्रम दे रखा है, ऊपर एक सीक्वेंस दे रखी है, इसमें क्या बोला गया है कि दाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर 5वां पद कौन सा है, आपको ये बताना है। अभी आप सभी को पता है ये बायां होता है और ये दायां होता है, अब दाईं ओर से आपको 15वां पद और जो 15वां पद होगा उसके दाईं ओर 5वां पद। तो सिंपल सी बात है, हम पहले 15 पे जाके 5 पे आने के बजाय हम क्या करेंगे, पहले 15 में से 5 को माइनस कर लेंगे। देखो, 5 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो अब हम इस साइड से क्या करेंगे, 10वें नंबर पे क्या है, 1, इधर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10वें नंबर पे क्या होगा, जी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से करते आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होता, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 करते उसके बाद फिर 5 वापस आते, इसके बजाय आप ये माइनस करके ही देख लीजिए। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी बिना फॉर्मूले के हमने निकाल दिया, और इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और जो कि जी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो बताएं इसमें जो है क्या आएगा आंसर, इसमें क्या है, एक घन बनाने के लिए दी गई आकृति को किनारों से मोड़ा जाता है, उस विकल्प की पहचान करें जो घन के फलकों 3 को सही ढंग से दर्शाता है। तो यानी कि 3 फलक है वो सही तरीके से दर्शाता है, आप सभी को पता है ये नीचे की तरफ मुड़ जाता है, ये भी नीचे की तरफ और ये बिल्कुल बैक साइड अपोजिट आ जाएगा इसका, यानी कि इसके अपोजिट ये आ जाएगा, इसके अपोजिट ये आ जाएगा, इसके अपोजिट ये आ जाएगा।
तो अब आंसर दें जल्दी से। तो दोस्तों आप सभी देख रहे हैं, यदि हम बात करें इसकी और इसकी, तो आप सभी देख रहे हैं इसमें क्या है, ये दोनों अपोजिट है, तो एक साथ कभी भी नहीं आएंगे, तो हमारा ये ऑप्शन कट जाएगा। और सेम इसमें भी ऐसे दिखा रखा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अभी हम बात करें जो सर्कल दे रखा है और ये दे रखा है, इसको देख लेते हैं, तो ये सेम है। और यदि हम बात करें सर्कल और इसकी, तो ये अपोजिट है, तो ये भी एक साथ नहीं आएंगे, तो ये भी हमारा कट जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो आप इस तरीके से काट काट के भी आंसर कर सकते हैं। तो जो आप फॉर्मूले याद करते हो उसके बजाय आप इस तरीके से करें, इसके अपोजिट में ये होगा, इसके अपोजिट में ये होगा, और तीसरा क्या होगा, इसके अपोजिट में ये होगा। तो जो अपोजिट में है वो साथ साथ नहीं आएगा, वो ऑप्शन काट दीजिए, लास्ट में फाइनली आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले कौन सर क्वेश्चन का आंसर दें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, एक किसान ने पश्चिम की तरफ चलने के लिए एक गाय छोड़ी, तो क्या है। देखो हमारे सामने ये चीज़ है, ये पूर्व है, एक किसान ने क्या काम किया, पश्चिम की तरफ एक गाय को छोड़ा, उसके बाद क्या है, गाय ने चरना शुरू कर दिया, कुछ समय बाद गाय ने अपने दाहिने ओर बढ़ना शुरू किया, यानी कि इस साइड जा रही थी पश्चिम की ओर, थोड़ी देर के बाद अपने दाहिने ओर, दाहिना ये इस साइड होगा, बढ़ना शुरू किया और उस स्थान पर पहुँच गई जो उसकी शुरुआती स्थिति से 90 डिग्री था, यानी कि इस साइड बढ़ी तो क्या था, शुरुआती स्थान ये था, यहाँ से 90 डिग्री है, बिल्कुल सही बात है। तो ये इस स्थान पे पहुँच गई, तो अब गाय किस दिशा का सामना कर रही है, तो ये पूर्व था, ये पश्चिम था, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो अब क्या है, गाय इस साइड से इस साइड चली गई, तो अब ये कौन सी साइड होगी, ये होगी उत्तर, यानी कि नॉर्थ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गाय ने चलना शुरू किया, उसके बाद राइट साइड मुड़ गई, और ये चीज़ है, ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखी है, वैसे ये चीज़ यही चीज़ है कि यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, दाहिने मुड़ेगी तो 90 डिग्री का ही कोण बनाएगी, तो फाइनली ये है उत्तर दिशा में दिशा का सामना कर रही है। अगले क्वेश्चन का आंसर दें, अगला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, निष्कर्ष क्या है, लोकतंत्र में उम्मीदवार बहुमत से चुने जाते हैं, और दूसरा है लोकतंत्र में कानूनों में संशोधन संसद में बहुमत द्वारा किया जाता है। देखो कथन क्या देखा, लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, तो इसके अकॉर्डिंग लोकतंत्र में उम्मीदवार है वो बहुमत से चुने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये पहला निष्कर्ष सही है कि बहुमत का शासन होता है तो बहुमत से ही उम्मीदवार चुने जाते हैं। दूसरा क्या है, लोकतंत्र में कानूनों में संशोधन संसद में बहुमत द्वारा किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या है, इसका आंसर हो जाएगा दोनों अनुसरण जो है निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप सभी से राय लेना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं तो डेली इसकी लाइव क्लास भी ले ली जाएगी, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं, और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कितने बजे आपकी लाइव क्लास का टाइम सही रहेगा, क्या शाम को 9 बजे का टाइम है वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस टाइम के लिए ज़्यादा कमेंट आएंगे वही जो टाइम है वो रख लिया जाएगा, 9 बजे या 10 बजे 8 बजे जो भी सही लगे आप कमेंट ज़रूर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, क्या है, यदि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था तो 12 अगस्त 2008 को कौन सा दिन था, इसका आंसर दें जल्दी से। तो आप देख रहे हैं 2007 के दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे देखेंगे क्या है, 8 दिसंबर को, तो सीधी सी बात है 31 में से हम 8 माइनस कर देंगे, कितने बच जाएंगे, दिसंबर के 23 दिन बच जाएंगे। उसके बाद हम जनवरी के 31 दिन जोड़ेंगे, फरवरी के हम कितने दिन जोड़ेंगे, फरवरी 2008 आ जाएगा तो हम फरवरी के 29 दिन लेके चलेंगे। उसके बाद क्या करें, मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन, उसके बाद मई के, एक मिनट, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, और उसके बाद जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, और अगस्त के भी 31 दिन, तो ये चीज़ हमने देख लिया 31 दिन हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो आपको सही ध्यान देने की चीज़ क्या है, अब आप क्या कीजिए, सबको जोड़ोगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको क्या करना है, इसको सबको 7 से डिवाइड करें और जो शेष बच रहा है उसको लिखते रहें। इसमें हम क्या करेंगे, 7 से 21 शेष बचा 2, इसके बाद यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 728 3, यहाँ पर शेष बचेगा 1, यहाँ पर शेष बचेगा 3, यहाँ पर बचेंगे 2, फिर 3,
यहाँ लिख ले रहा हूँ, उसके बाद क्या होगा, फिर दो बचेगा, उसके बाद तीन बचेगा, और उसके बाद फिर से तीन बचेगा। कितने हो गए, तीन तीन छः, दो आठ, तीन ग्यारह, तेरह, सोलह, सत्रह, और तीन बीस, और दो बाईस। अब हम क्या करेंगे, जो बाईस टोटल है हमारे पास, देखो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की मिस्टेक हो तो आप देख सकते हैं, बाईस होगा, इसको हम सात से डिवाइड करेंगे, फिर से दोबारा से क्या आ जाएगा, शेष हमारे पास एक आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, शनिवार में एक जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा संडे, क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा इसका आंसर। जैसा कि आपने अभी देखा था, जितने दिन बच रहे हैं उसको आप सात से डिवाइड करके जो शेष बच रहे हैं उनको आप जोड़ते रहेंगे, लास्ट में जो शेष बचेगा उसको फिर से सात से डिवाइड कर देंगे, और जो आंसर आएगा उसको आप इसमें जोड़ देंगे, आपका जो सही आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, पी एन के और जे में से किसे उच्चतम भुगतान प्राप्त होता है। पहले में क्या दे रखा, कथन में देखो, पी के और जे से अधिक कमाता है, पी है वो क्या करता है, के और जे से अधिक कमाता है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा भुगतान कौन करता है, तो हमें पहले कथन से कोई पता नहीं चला है, एन के और जे, यानी कि अभी एन बच गया है, दूसरे में क्या है, एन है वो किससे ज़्यादा कमाता है, एन है वो के से ज़्यादा कमाता है। अभी हमें ये पता चल गया है कि पी है वो के से ज़्यादा कमाता है और एन है वो के से ज़्यादा कमाता है, यानी कि हमें ये पता चल गया कि ये इनसे तो दोनों ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन पी और एन है वो बराबर है, इज इक्वल टू है, ज़्यादा है या कम है, पी और एन है इनका हमें पता नहीं चल रहा है। तो हमें ना तो स्टेटमेंट एक से पता चल रहा है और ना स्टेटमेंट दो से पता चल रहा है, तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसमें देखो कुछ मिस्टेक कर रखी है, विवरण एक और दो दोनों सही नहीं है, यहाँ पे आप नहीं कर लीजिए, दोनों सेम कर रखे हैं, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। तो हमारा जो क्या होगा, ना तो एक से आंसर मिल रहा है ना दो से आंसर मिल रहा है, तो आप इसको ए या दो बी में एक जगह पे आप नहीं टाइप कीजिए और हमारा आंसर ये हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ आपको दे रखा है, ये नंबर दे रखा है, तो इसका क्या है, जलीय छवि बतानी है, वाटर इमेज बतानी है क्या होगी, और यहाँ पे आप सही कर लीजिए, नौ दो की जगह नौ एक आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, नौ एक आएगा, तो बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो इसमें आप क्या करोगे, जलीय छवि क्या होगी, नौ को आप ऐसे लिखोगे, ये ऐसे लिखोगे, फिर नौ को आप ऐसे लिखोगे, एक ऐसे आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, दो ऐसे आ जाएगा, तीन ऐसे आ जाए, सॉरी तीन ऐसे आ जाएगा, एक मिनट, आपका जो दो है वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा दो, उसके बाद तीन सेम आएगा, आठ भी सेम आएगा, और आपका सात है वो ऐसे आ जाएगा, छः आ जाएगा नौ की तरह, और नौ आ जाएगा आपका छः की तरह, और ए ऐसे आ जाएगा, और जेड आ जाएगा आपका ऐसे। तो देख लेते हैं किस से मैच कर रहा है, ये सबसे पहले नंबर पे आप इसको तो कट कर दीजिए जिसमें डेड पहले दिखा रहा है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आ गया एक, उसके बाद आपका जो है डी आंसर है वो सही होगा, क्योंकि ए में इन्होंने तीसरे नंबर पे पाँच दिखा रखा, पाँच का उल्टा तो गलत हो जाएगा, और डी में भी, एक मिनट रुकिए, डी में भी कुछ मिस्टेक दे रखी है, तो इसमें कुछ मिस्टेक दे रखी है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो जलीय छवि है वो इसमें ऑप्शन में चारों में भी देखने को नहीं मिल रही है, बाकी आपको जो भी लग रहा है कमेंट ज़रूर करें। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ मिस्टेक है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये मैंने रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे डायरेक्ट कॉपी किया है, तो इसमें हो सकता है ग्रेस मार्क दिया होगा रेलवे ने भी, कुछ मिस्टेक है इसमें। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है, चार जोड़े एक पार्टी में जाते हैं, सभी महिलाओं ने अलग अलग रंगों की साड़ी पहन रखी है, सभी पुरुषों ने अलग अलग रंग की शर्ट पहन रखी है, एक शर्ट और एक साड़ी का रंग एक जैसा हो सकता है, और नीचे दिए गए सभी कथनों पर विचार करें। देखो यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को ध्यान दें, एक शर्ट और एक साड़ी एक रंग की हो सकती है, आप इस चीज़ पर फोकस करें पहले, हो सकता है हमारा आंसर इससे ही मिल जाए,
ज़्यादा लंबा क्वेश्चन आपको डराने के लिए लिखा जाता है, कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें आंसर क्या पूछा गया, श्रेया के पति कौन है। तो श्रेया के पति का पूछा गया कौन है, तो यहाँ पे देखोगे श्रेया का नाम कहीं दिखाई दे रहा है आपको, श्रेया का नाम है, देख लेते हम, संदेश की पत्नी ये है, विराज पीले रंग की शर्ट पहन रखी है, और रमा का विवाह रमेश से हुआ, लाल शर्ट पहन रखी है। देखो यहाँ पे देखोगे आप, अनूप और श्रेया ने हरे रंग के कपड़े पहने हुए। तीसरा आंसर आप देखोगे, सॉरी ये देखोगे स्टेटमेंट तीसरी है, दो अनूप और श्रेया ने हरे रंग के कपड़े पहन रखे, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक ही रंग की शर्ट और साड़ी पहन रखी है। तो श्रेया के पति कौन हो जाएगा, अनूप इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप सब जो जोड़े भी बना सकते हैं, जैसे रमा का व्यवहार रमेश के साथ हुआ है, इन्होंने क्या है रेड कलर की शर्ट पहन रखी है, उसके बाद क्या है, पूर्वा जो अनूप की पत्नी नहीं है, पूर्वा है वो कौन है, अनूप की पत्नी नहीं है, रमा और रमेश हो जाएगा, और उसके बाद पूर्वा है इसका भी बाद में देखेंगे, अनूप और श्रेया हो जाएगा, अनूप और श्रेया हो जाएगा, और उसके बाद क्या, संदेश की पत्नी मृणमयी ने पीली साड़ी नहीं पहनी है, तो संदेश की पत्नी कौन हो जाएगी, मृणमयी हो जाएगी, और विराज ने पीले रंग की शर्ट पहन रखी है, तो विराज है वो इनके साथ आ जाएगा। तो जो श्रेया इसके पति कौन हो जाएंगे, अनूप हो जाएंगे, चार जोड़े आपने बना लिए हैं। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करके ये बताएं क्या लाइव क्लास लें तो सही रहेगी या गलत रहेगी, और नेक्स्ट क्लास में आपको कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यदि आपका प्यार और सपोर्ट अच्छा रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने वीडियो यहाँ तक देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।